नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सर्वे सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियां, जिसमें मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही मजेदार लव स्टोरी। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रोला देने वाली दर्द भरी लव स्टोरी, लव इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी शुरू हुआ था 2019 में ओडिशा की कटक शहर की है। अक्सर हमें खबर मिलती है कि इस लड़का को उस लड़की से फेसबुक के माध्यम से प्यार हो गया। फेसबुक एक ऐसी सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग दुनिया का हर इंसान से जुड़ सकता है, और आजकल तो फेसबुक के माध्यम से प्यार एक आम बात हो गया है। लेकिन फेसबुक के माध्यम से प्यार का रिश्ता करना सही है? तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी ही कहानी जो फेसबुक के माध्यम से प्यार से जुड़ा हुआ है, एक दर्द भरी प्यार की दास्तान। ये कहानी दर्द भरी लव स्टोरी राजू और पिंकी की है। पिंकी ओडिशा के कटक शहर में रहती थी और राजू संबलपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपनी फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल दिखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी का फोटो देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फ़ोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी ने अपना फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम से एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम के लड़का का एक हाय लिखकर मैसेज आया है। पिंकी ने इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू ने देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू का मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ, तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपना अपना परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। अब वे दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसे ही कुछ महीना बीत गया, अब वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे दोनों अपने अपने फ़ोन नंबर शेयर कर लिए और फ़ोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वे दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो क्या होगा, जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसके दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरा एक साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसे ही पूछ लिया, बताओ ना कोई है? पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोच कर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, क्या, वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी को राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गया और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कह के पिंकी ने
फ़ोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर के कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को दो दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था कि मैं भी। राजू ने जब मैसेज पढ़ा तो वह इतना खुश हुआ कि मानो खुशी के मारे वह नाच उठा हो। राजू ने पिंकी को फ़ोन किया और कहा, फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आती है इसलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा था और ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी के शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फ़ोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुँचकर पिंकी को फ़ोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फ़ोन करती हूँ। राजू ने वहाँ की एक सस्ता होटल में जाकर कमरा बुक कर लिया और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी ने जब 4 बजे फ़ोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी के बताए हुए जगह पर आधा घंटा बाद पहुंच गया। उस दिन वे दोनों का पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों ने पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घुमाने के लिए लेकर गई। दोनों ने बहुत घूमा और एक साथ खाना भी खाए और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गया। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फ़ोन करता था तब पिंकी कहती थी कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू पिंकी को रात के वक्त फ़ोन करता था तब पिंकी का फ़ोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसके मामा की लड़की ने फ़ोन किया था, कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फ़ोन किया था। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी के ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ा देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। राजू ने पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो ना? राजू ने कहा, मैं नहीं तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रही हो। पिंकी ने बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटी सी 15,000 की नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूँगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। राजू वहाँ बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहाँ से वापस अपने घर लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था, कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी के ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी के दर्द भरी प्यार के गम से बाहर आने लगा था। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है।
राजू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फ़ोन आया। राजू पिंकी का फ़ोन देखकर चौंक गया और फ़ोन उठाया। पिंकी ने रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं अब और दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राजू ने फ़ोन काट दिया। निष्कर्ष, प्यार एक पवित्र शब्द है, लेकिन आज जो इस कहानी दर्द भरी लव स्टोरी में पढ़ा, उस प्यार शब्द को पिंकी ने एक मजाक बनाकर रख दिया। असली और सच्चा प्यार करने वालों की कदर करना सीखो, उसके प्यार का सम्मान करना सीखो, नहीं तो ज़िंदगी भर रोते ही रह जाओगे, क्योंकि आज की दुनिया में सच्चे मन से प्यार करने वाले बहुत ही कम इंसान होते हैं, इसलिए जिससे प्यार करते हो चंद लालच में आकर उसे धोखा मत दो। लव दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।